कैसे हो आप लोग? तो आज हमारा सेकंड डे, तो देखते हैं आज। अभी तक तो कुछ प्लान नहीं है। जल्दी से मैं नाश्ता, देखो मैं नाश्ता कर रहा हूँ। तो दोस्तों सामने थोड़ी बर्फ दिख रही है सामने। हेलो दोस्तों, तो फाइनली 3 घंटे के ट्रैफिक के बाद मॉर्निंग में 10:30 बजे निकले थे, और इतने घंटे ट्रैफिक में ड्राइविंग करने के बाद फाइनली पहुंच गए एट्स सिलोंग वैली। तो हमने गाड़ी थोड़ा पहले लगा दी, एक शॉर्टकट है। गोल्डी बोल दे कुछ। गोल्डी के पीछे सांसें फूलने लग गई हैं। ये शॉर्टकट है लेकिन काफ़ी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा टफ है भाई। कुछ भाई लोगों के इमोशनल कंट्रोल नहीं हो रहे, रोड पे पड़ी हुई बर्फ़ को ही उठा के एक दूसरे के पेलने में लगे। तो यसली ट्रैकिंग भी हो रही है हमारे साथ साथ। अक्की बर्फ बर्फ तो छूलो, बर्फ उठाओ। फाइनली अक्की को बर्फ मिल गई है। आगे थोड़ी उठाओ, आगे वाली उठाओ, बर्फ में तो चलो। हाँ ये भी बर्फ उठाओ। फाइनली अक्की को बर्फ मिल गई, दोनों हाथों से उठाओ। मेन स्टैंड है जहाँ पर आपको गाड़ी लगानी होगी, इससे आगे गाड़ी नहीं जाती, देख सकते हो। वाला मौसम भी बन रहा है तो आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हो, चाहे तो स्नो पॉइंटिंग पे जा सकते हो। और पैराग्लाइडिंग कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, 1000 रुपये पैराग्लाइडिंग। यहाँ पे भी इस पर भी जा सकते हो यहाँ पर। तो फाइनली मिनी स्नो वैली कहते हैं जैसे, वो आ गया, देख रहे हो आप बर्फ। अबे भाई जूते बेकार हो जाएंगे हमारे, वो नहीं पहन के आए हम, सब पहन के आए, हम ही पहन के नहीं आए अंग्रेज लोग। हेलो दोस्तों, फाइनली मैं स्नो में, देख रहे हो उतनी ज़्यादा बर्फ़ है नहीं लेकिन जितनी सोची थी, लेकिन फिर भी काफ़ी है। तो इसे मिनी सुलांग भी कहते हैं। देख लो मेरे पीछे चारों तरफ बर्फ, देख क्या लगी एक्सपीरियंस है। बाकी मैं फोटो खींचता हूँ। हमने जितनी बर्फ सोची थी उतनी है नहीं। यहाँ पे अक्की पागल हो गया बर्फ को देखकर। तो यहाँ पे इतना स्नो था नहीं, तो हम दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं जहाँ काफ़ी स्नो है। ये वो बुकिंग काउंटर देख सकते हो आप, डायरेक्ट पर कपल, और डायरेक्ट बुकिंग करा के आप निकल सकते हो। आप ऊपर जाना है हमें, देख सकते हो टॉप पे जाएंगे। तो फाइनली हमने अपनी गाड़ी बुक कर ली है, तो हम अपनी निकल रहे हैं। बाय बाय। वही गोल्डी आए तो कह दे ऊपर सबसे टॉप में, बर्फ में जा रहे हैं हम, बर्फ में निकले भाई। ओ माय गॉड, बर्फ में जाते हुए हम तो एक अलग एक्सपीरियंस ही, ये अलग है, समझो ये अलग है। भाई लोग कुछ घूम के आ गए वापस। पहुंच गया हम आपकी गाड़ियों के पास। ओह माय गॉड, टॉप पे पहुंच गया हूँ, देख सकते हो मेरे पीछे सारी तरफ बर्फ ही बर्फ। मैं बिल्कुल टॉप पे हूँ, और अभी हम भाई यहाँ पे बाकी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो आप आके। तो इसे लॉन्ग वैली का मेन पॉइंट है, बर्फ है काफ़ी लेकिन उतनी बर्फ नहीं है जितनी एक्सपेक्टेशन थी। ये सोचा जा रहा था ज़्यादा ही बर्फ मिलेगी लेकिन ऐसा कुछ है नहीं।
तो अभी लगता है अभी ना जस्ट सीजन स्टार्ट हुआ है, इस कारण बर्फ भी मेरे को लग रहा है कम है, तो एक दो दिन में काफ़ी ज़्यादा बर्फ देखने को मिलेगी। तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी डिस्क्रिप्शन में, और चलो मैं एंजॉय करता हूँ थोड़ा बर्फ़ में, और अगर फोटोज़ वोटोज़ क्लिक कराई हमने और बाकी वीडियो वीडियोज़ बनाते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब धर्मू लाइफ स्टाइल एंड मेंशन योर रिव्यू इन कमेंट्स।